मीठानीम दरगाह परिसर में एक युवक के गले पर चाकू से वार कर उसकी हत्या का प्रयास किया गया। घायल नीलेश उर्फ गोलू मारुति कामले जाटड़ी पुलिस चौकी के पीछे इमामवाड़ा निवासी है। जख्मी की शिकायत पर सीतामढ़ी पुलिस ने आरोपी प्रणय राजेश पात्रे इंदुरा बाराखोली निवासी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। आरोपी प्रणय और गोलू के बीच भोजन को लेकर हुए विवाद में प्रणय ने गोलू के गले पर चाकू थोप दिया। पुलिस के अनुसार गत 1 सितंबर को शाम करीब 6:30 से 7 के बीच विधान भवन के मुख्य गेट के पास फुटपाथ पर मीठानीम दरगाह परिसर में भोजन वितरित किया जा रहा था। गोलू ने कतार में लगकर भोजन लिया और फुटपाथ पर जाकर बैठ गया। वह भोजन कर रहा था, तभी उसका दोस्त आरोपी प्रणय वहां पहुंचा और उसने गोलू से भोजन मांगा। गोलू ने उसे कतार में लगकर भोजन देने की बात कही। इससे तेश में आकर प्रणय ने गोलू के साथ काली गलौज की और चाकू निकालकर उसके गले पर वार कर दिया। पुलिस ने प्रणय पात्रे पर धारा 307 504 के तहत मामला दर्ज किया है। 9/2021 रोजी हिरियाजी निलेश मारुती कांबळे ह्याच्या गळ्यावर वार करण्यात आलेला होता। त्यावरून त्याचं मी हॉस्पिटल इथे जबाब नोंदवला। त्यावरून पोलीस स्टेशन सीताबर्डी येथे 382/21 कलम 307 504 अन्वये गुन्हा दाखल असून सदर गुन्ह्यातील आरोपी प्रणय राजेश पात्रे यास लागलीच अटक करण्यात आलेली आहे व तो सध्या PCR मध्ये आहे। गुन्ह्याचं कारण बघता की फिर्यादी हा जेवण करत असताना मला जेवण आणून दे यावरून यांच्या दोघांमध्ये वाद झाला आणि आरोपीने खिशातील छोटासा चाकू काढून त्याच्या गळ्यावर वार केला अशी घटना। जवळपास 10 ते 15 गुन्हे त्याच्यावर पूर्वी नोंद आहे। नुकताच तो 1 महिन्यापूर्वी म्हणजे 4/8/2021 रोजी आमच्याच केलेल्या प्रतिबंधक कारवाईतून 110 IG मधून जेलमधून बाहेर आलेला आहे 6 महिना राहून, आणि परत त्याचे गुन्हेगारी कृत्य असे सुरू आहे। त्याला लागलीच अटक करण्यात आलेली आहे व योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपूर।